नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। इस गल का भी प्रतीक है कि साडे सूबे ते अग्गे वधण दे मौके सब। मोहाली में 72वें गणतंत्र दिवस परेड का समारोह फेज 6 स्थित सरकारी कॉलेज में हुआ, जहां पर पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर ने तिरंगा फहराया और परेड को सलामी दी। हालांकि कोविड 19 के चलते कोई बड़ा सार्वजनिक समागम नहीं किया गया और न ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। कृषि कानूनों के विरोध को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अपने संबोधन के दौरान जहां राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर ने देश के शहीदों को नमन किया, वहीं उन्होंने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में पंजाब प्रांत का अहम योगदान बताया। इस दौरान राज्यपाल ने किसानी संघर्ष के दौरान मारे जाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि वे आशा करते हैं कि किसानों की समस्याओं का हल बातचीत के जरिए निकले। राजकुमार उड़ान के पीछे एनसीसी कैडेट्स साजन, आज गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर मैं सभी भारतवासियों और खास तौर से सारे पंजाबी बहनों और भाइयों को बधाई देता हूं। मैं उन तमाम फौज के जवानों को और अधिकारियों को भी नमन करता हूं जो हमारे देश और सीमाओं पर मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटी और फर्ज निभा रहे हैं। इस मौके पर मैं उन सभी देशवासियों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत कुछ खोया, कुर्बानियां दी और अपने आप को देश के लिए बलिदान तक भी कर दिया। इस शुभ अवसर पर हम सब सारे राजनेताओं, बुद्धिजीवियों और खासकर हमारे संविधान के निर्माताओं के आभारी और कृतज्ञ हैं, जिनकी दूरदृष्टि के कारण ही आज हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र गणतंत्र के रूप में उभर के सामने आए हैं। पूरा विश्व हमारे गणतंत्र तथा संविधान से प्रभावित और भारत देश को सम्मान की नजर से देखता है। यह भी हमारे लिए गौरव की बात है कि आजादी के बाद से देश में और अलग अलग राज्यों में लोगों के संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया गया, खासकर सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और महिलाओं एवं जो नौजवानों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं बनाई और लागू की। पंजाब एक सीमावर्ती प्रांत है और इसलिए हमारे देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने में इस प्रांत का बहुत बड़ा महत्व है। गौरतलब है कि आज पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन इस दौरान कोरोना के नियमों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह बीमारी को बढ़ावा न मिल सके। पंजाब केसरी चंडीगढ़ के लिए मोहाली से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कोरोना से जंग के बीच देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर भी गणतंत्र दिवस का जश्न जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसी दिन साल 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। देश के साथ साथ हरियाणा के भी अलग अलग जिलों में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो योजना बनाई कि 5 लाख रुपए का हर गरीब परिवार के लिए एक जीवन बीमा, स्वास्थ्य जीवन बीमा एक प्रकार का, वो हमने कराया है। आज गरीबों को बहुत बड़े सहायता सुविधा उसमें मिल रही है। सामाजिक दृष्टि से जो हमारी सामाजिक का सुरक्षा पेंशन है उसको भी लगातार हम बढ़ा रहे हैं। कोविड के दिनों में भले ही आर्थिक स्थिति हमारी किसी प्रकार की रही हो, लेकिन हमने किसी प्रकार कर्मचारियों का कोई वेतन अथवा पेंशन अथवा अन्य ऐसे विषयों पर कोई कटौती नहीं की है। लगातार हम उसमें काम करते रहे हैं। हम लोगों ने युवाओं के लिए जो काम किए हैं, युवाओं की शिक्षा हो, युवाओं का कौशल हो, युवाओं की नौकरियां हो, लगातार हम काम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में
छह वर्ष में 80,000 सरकारी नौकरियां हमने युवाओं को दिलाई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे। पंचकुला में गणतंत्र दिवस को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सीएम ने शिरकत की। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उससे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। जो लोग पढ़ लिख करके नौकरियां प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी सक्षम युवा नाम से कार्यक्रम शुरू किया। 1,10,000 युवाओं को उसके माध्यम से 3 वर्ष का ये 600 घंटे का काम ये हमने देना का प्रारंभ किया। अब कर दी है, अभी एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक ही फीस में लगातार 3 वर्ष तक वो कितने ही एग्जाम उसमें अपियर हो सकते हैं, उनको बार बार फीस भरने के लिए आवश्यकता नहीं है। ग्रुप सी और डी के इंटरव्यू हमने समाप्त कर दिए हैं। एक बार की परीक्षा में जो भी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से योग्यता होगी उसमें ग्रुप डी के लोगों को अपनी बारी से नौकरी मिलती रहेगी। केवल पर्ची और खर्ची इसको बंद किया है। युवा बहुत ही संतुष्ट है इस बात से, उसमें इस बात का संतोष है कि पढ़ाई के बाद योग्यता के आधार पर उसको उसका फल मिलने वाला है। कॉलेज में पढ़ते ही उसको पासपोर्ट की व्यवस्था लागू की ताकि उसको अप्लाई करने के बाद पासपोर्ट मिल जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान सरकार की उपलब्धियां बताई। सीएम ने कहा कि 6 सालों में हरियाणा सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने का काम किया है। मुझे राष्ट्रध्वज फहराकर बड़े गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारा ये पंचकुला जिला सन 1995 में हरियाणा का 17वां जिला बना था। यह जिला, यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माता मनसा देवी शक्तिपीठ यहाँ विराजमान है। इसके अलावा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अंबाला में ध्वजारोहण किया और हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, जिसका मुख्य कार्यक्रम सेक्टर 17 स्थित परेड ग्राउंड में हुआ। इस दौरान प्रशासक के सलाहकार मनोज प्रीदा बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जिन्होंने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद परेड का निरीक्षण किया और परेड को सलामी दी। एडवाइजर मनोज प्रीदा ने चंडीगढ़ वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि मुझे इस बात की खुशी है और गर्व है कि चंडीगढ़ प्रशासन के प्रयासों और लोगों के सक्रिय सहयोग से हमने चंडीगढ़ को विकास और समृद्धि के साथ देश के एक मॉडल शहर में बदल दिया है। अपने भाषण में एडवाइजर मनोज प्रीदा ने कोरोना योद्धाओं का भी धन्यवाद किया और संबोधन के दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के दूसरे चरण में 50 से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। वहीं मनोज प्रीदा ने उन योजनाओं के बारे में बताया जिसका शहरवासियों को लाभ पहुंचा और आने वाले दिनों में जो योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जाएंगी उसके बारे में भी बातें कही। और कर्मचारियों के लिए जो तोहफा, मैं कहूँगा 2020 कोरोना काल के बाद 21 का तोहफा है, तो हम 350 कर्मचारियों को रेगुलर करने का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी मुझे लगता है फरवरी महीने में ही वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल हमारे एम्प्लाई है, जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो उनको रेगुलर करके हम कर्मचारियों को भी ये तोहफा देंगे। बजट में बढ़ोतरी का सराहनीय कार्य हमने अभी मीटिंग करी थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो उसमें कमिश्नर साहब के माध्यम से तो हमें जिस तरह से विश्वास मिला है तो इस बार हमारा बजट भी है वो हमें बढ़ के मिलेगा। इस दौरान स्वच्छ भारत कोरोना वैक्सीन से संबंधित झांकियां भी देखने को मिली। वहीं इस दौरान बेहतरीन काम करने वाले और कोविड-19 महामारी के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और बेहतरीन सेवाओं के लिए 10 पुलिस वालों को एडमिनिस्ट्रेटर पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया। काफी चीजों के लिए मिला है, जैसे मैंने भंगड़ा ऑन स्केट्स वर्ल्ड में पहली बार इंट्रोड्यूस करा, प्लस मैं रोल डाउन करने वाली स्टेयर्स पे पहली लड़का या लड़की हूँ इंडिया में, और मैंने नेशनल गोल्ड मेडल जीता है चंडीगढ़ के लिए, वो भी चंडीगढ़ का पहला मेडल था।
रोलर फ्री स्टाइल में, जो अभी तक किसी ने भी नहीं जीता है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है? लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी लड़कियों को कम ना समझें, प्लस जो अच्छा कर सकते हैं उसे और प्रमोट करें। मैं स्पोर्ट चंडीगढ़ काउंसिल में वेट लिफ्टिंग कोच हूँ। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान कई बच्चे नेशनल प्लेयर निकाले हैं, तो जिसकी वजह से आज मुझे यहाँ सम्मानित किया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि सभी अपने सेहत तंदुरुस्त रखो, खेल के साथ जुड़े रहो और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ो। बता दें कि आज देश भर में गणतंत्र दिवस का समारोह पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी की कुछ तस्वीरें खुशी और उल्लास के साथ चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड में भी देखने को मिली। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित नगर निगम के दफ्तर में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा ने झंडा फहराया। इस समारोह के दौरान नगर निगम के कमिश्नर के यादव सहित सारे सेवादार और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान कोविड-19 महामारी के वक्त जिन लोगों ने अच्छा काम किया था उनको नगर निगम की तरफ से सम्मानित भी किया गया, जिनमें कुल 144 कर्मी शामिल थे। इस दौरान मेयर रविकांत शर्मा ने सारे चंडीगढ़ वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि आज जो भी उन्हें मौका मिला है वो चंडीगढ़ वासियों की बदौलत से मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मुख्य मकसद शहर के विकास में रफ्तार देना रहेगा और शहर को सफाई के मामले में नंबर एक पर लाना उनका उद्देश्य रहेगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण शहर के जो विकास के काम पेंडिंग पड़े हैं उनको भी जल्द पूरा किया जाएगा। जी, पहले तो मैं सभी शहरवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं और मुझे अभी महापौर की जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाने का, मैं पूरे शहरवासियों के सहयोग से हम इस बार शहर के विकास को एक नई गति देंगे। मुझे आप सबके सहयोग की कामना करते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका ये आने वाला 2021 बहुत शुभ रहे। जो भी प्रोजेक्ट मेरे पहले मेयर ने हमारे शुरू करे हुए हैं उनका जो अधूरे प्रोजेक्ट है, पहला तो मेरा काम है कि उनको मैं पूरा करूँगा। उसके बाद चंडीगढ़ को स्वच्छता में रैंकिंग में नंबर वन लाना जो मेरा प्रयास रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि चंडीगढ़ शहरवासियों के सहयोग से हम इस बार स्वच्छता में नंबर वन। गांव के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उनके फंड्स भी रिलीज हमें हो रहे हैं और हम उसके विकास को एक नई गति देंगे और बहुत जल्दी गाँव के जो विकास कार्य है वो पूरे किए जाएंगे। वहीं नगर निगम की तरफ से जिन कर्मचारियों को सम्मानित किया गया उनमें से कुछ लोग एनजीओ से भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर गरीब और मजदूर लोगों के लिए हर संभव प्रयास किया था। सबसे पहले तो मैं सबको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और ये जो सम्मान दिया गया है ये बहुत ही अच्छी पहल है समाज सेविकों के लिए। ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि उनके एक इनकरेजमेंट मिलता है, एक बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन उनको मिलता है कि वो समाज में और बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें, अधिक से अधिक जो है समय अपने समाज में दें। मैंने एक बुक लिखी है गार्डन्स ऑफ चंडीगढ़ पर, जो इस टॉपिक पर पहली बुक है और मुझे गार्डन्स का बहुत शौक था और तो मैंने कोई नेट पर बुक ढूंढी पर मुझे कोई बुक नहीं मिली। तब मुझे ये आइडिया आया कि मैं क्यों ना खुद ही एक गार्डन्स ऑफ चंडीगढ़ पर एक बुक लिखूं। मैं ये देना चाहता हूँ कि हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बता दें कि देश भर में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से कोविड-19 महामारी के वक्त अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, आज हमारा राष्ट्रीय पर्व था और एक तरफ जो है वो देश के जो जवान है उनको देश स्मरण कर रहा था, जो हमारे लद्दाख में भी शहीद हुए उनको आज पुरस्कार दिए जा रहे थे, और दूसरी तरफ कुछ तथाकथित लोग सालों के बीच में इस देश का अपमान कर रहे थे। लाल किले की प्राचीर पे हमेशा से जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है
कोई भी ध्वज जो है वहाँ पे फहराना वो पूरे राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। मैं समझता हूँ कि एक सोची समझी साजिश के तहत था, वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज की जगह पे कोई और ध्वज फहराना लाल किले पर। क्या ये किसान बिल किसानों के हित में है? क्या ये किसानों के लिए कोई किसान या किसान नेता इस प्रकार के कर सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ देश में किसी तरीके से उपद्रव फैलाने की साजिश है। किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतें जो हैं, जो विघटनकारी ताकतें हैं, जिसमें पाकिस्तानी तत्व भी शामिल हैं, खालिस्तानी तत्व भी शामिल हैं और बहुत सारी विरोधी पार्टियां भी शामिल हैं, ये सब लोग जो किसी तरीके से इस देश का विकास नहीं देखना चाहते, इस देश की उन्नति नहीं देखना चाहते, वो किसी न और मोदी विरोधी हैं और उनका एक ही एजेंडा है मोदी जी का विरोध। तो उस कारण से ये उन लोगों की साजिश थी, सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया। और मैं समझता हूँ कि कोई भी जो देशभक्त आदमी है या कोई भी जो नियमों को पालन करने वाला नागरिक है वो इसकी घोर निंदा करे। ये आपके आप सामने आ गया जी, कहने से और करने में दोनों चीज़ों में अंतर है। जो कहा गया वो ठीक नहीं है और जो किया गया वो भी ठीक नहीं है। जो कर रहे हैं वो स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से। अब लाल किले की प्राचीर पर कोई भी किसान यूनियन का झंडा फहराना या कोई और ध्वज फहराना, मैं समझता हूँ कि दोनों पूरे राष्ट्र का अपमान है। सर देखिए, ये तो सरकार को तय करना है कि किस प्रकार से सरकार इस सारी चीज़ों से डील करती है, लेकिन एक आम नागरिक के नाते मैं भी बहुत आहत हूँ कि 26 जनवरी का पहले किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए चुना जाना 26 जनवरी को, सबसे पहले तो यही बहुत बड़ा गलत निर्णय है। अमेरिका में जो हुआ था उसकी पूरी दुनिया में अमेरिका की छवि धूमिल हुई, आज जो हिंदुस्तान में हुआ है उससे हिंदुस्तान की छवि को भी नुकसान पहुँचा है। हमारे देश में हमारे देश का जो सबसे बड़ा पर्व है गणतंत्र दिवस, उस दिन पर इस तरीके से बिहेव करना और पूरी दुनिया में इस तरीके का संदेश देना, शायद ये बड़ा ही देश विरोधी काम है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को जो भी है जिस तरीके के भी निर्णय लेने हैं, लेकिन सरकार को अब किसी प्रकार से देश की जो देश में कोई विघटनकारी तत्व जो साजिशें रच रहे हैं उन साजिशों का पर्दाफाश करना चाहिए और कानून तोड़ने की मैं समझता हूं कि किसी को भी जो है इजाजत नहीं देनी। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक निजी बैंक की तरफ से सनातन धर्म मंदिर में खूनदान कैंप का आयोजन किया गया। बैंक की तरफ से हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को इस रक्तदान कैंप का आयोजन किया जाता है, जो कि साल 2001 से लगातार इस तरह रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहा है और इसके अब 20 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं इसी के चलते आज जहां रक्तदान शिविर में बैंक के कर्मचारियों की तरफ से रक्त दान किया गया, तो वहीं इस दौरान लगभग 250 यूनिट खून इकट्ठा किया गया। 26 जनवरी 2001 से लेके हमने शुरू की थी मुहिम, और हमारे डॉक्टर जे जी जॉली जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के इंडिया में फाउंडर हैं, उनकी कृपा से ये काम हमने शुरू किया था और आज 20 साल पूरे हो गए इस कैंप को लगाते हुए। हम 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों जो नेशनल फेस्टिवल है उनको हम ये कैंप लगाते हैं और सब मिलजुल के लगाते हैं, और आज तक 7400 यूनिट हो चुके हैं, तो तकरीबन 150-200 यूनिट इन कैंपों में हो जाता है। और हमारे बहुत सारे मित्र जो लगातार 20 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी आज हमारे साथ राजेंद्र गर्ग जी जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से, आज ये 200वीं बार अपना रक्तदान करेंगे और इनको हम हमारे मेयर साहब अभी आने वाले हैं वो आके इनका सम्मान करेंगे। नर सेवा नारायण सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। हमारे मुल्क में 130 लाख यूनिट पर ईयर कंजम्पशन है, जबकि हमारे यहाँ 90 लाख यूनिट इकट्ठे होते हैं, 40 लाख यूनिट की अभी भी शॉर्टेज है, पर चंडीगढ़ में 100% ये कंफर्म है कि ये चंडीगढ़ में कोई ऐसी वो नहीं है। मैं ये चाहता हूँ भाई इस सेवा से किसी की भी जान ना जाए, यही मेरा एक मोटो है, यही मेरा लोगों को कहना है कि नर सेवा नारायण सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। अगर सभी
हमारे इंडिया में सभी स्वास्थ्य एक बार रक्तदान कर दें तो हमारे मुल्क में ब्लड की शॉर्टेज खत्म हो जाएगी और कोई भी ब्लड की वजह से मरेगा नहीं, अपना जीवन व्यतीत करेगा। रक्तदान शिविर के दौरान वॉलंटियर राजेंद्र गर्ग भी यहां पहुंचे हुए थे, जो कि लगभग 200 बार खूनदान कर चुके हैं। जिनका कहना है कि हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि एक बार का खूनदान कई लोगों की जान बचा सकता है। हम ऑल ओवर इंडिया और इवन काफ़ी और कंट्रीज में भी हमारे जो वहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, हम यहाँ पे जैसे बच्चों को या फिर कहीं पे भी जो स्लम्स एरिया वहाँ पे फूड और जो क्लोथ्स है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वी सर्व द स्माइल्स। और आज हमने यहाँ पे जो 26 जनवरी के लिए हमने सोचा, इससे बेटर डे नहीं हो सकता है अगर हम अपनी जो सर्विस है यहाँ पे दें। एज ए वॉलंटियर हम यहाँ पे आए हैं और 26 जनवरी को इससे बेटर सेलिब्रेट करने का मुझे नहीं लगता कोई और तरीका है। तो अभी हमने देखा, अभी हमने यहाँ से जो बाकी वॉलंटियर्स जिन्होंने डोनेट किया है उनके कॉन्टैक्ट भी लिए हैं, तो इन केस इन फ्यूचर इमरजेंसी अगर हमें ज़रूरत पड़े ब्लड की तो हम उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी की ज़िंदगी बचाने से ज़्यादा कोई और बड़ा काम हो नहीं सकता। तो प्लीज़ डोनेट ब्लड एंड बी अ लाइफ सेवियर। रोबिन हुड आर्मी, थैंक यू। बता दें कि इस रक्तदान शिविर के दौरान काफी गिनती में लोगों ने खूनदान किया और अपना योगदान दिया। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आडा को पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।